हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही यूनिक रोटी जो है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का ये डिश है। ये आप लोग को, आप लोग देख के बताना क्या चीज़ का रोटी है। वैसे मैं बताने वाली हूँ इस रोटी को, पहले बता इसकी रेसिपी बताने से पहले मैं ये बता दूँ इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं छिलका रोटी, छिलका रोटी, छिरका, सॉरी छिरका रोटी। ओके, आई डोंट नो व्हाई वी कॉल दिस छिरका, क्यों कहते हैं इसे आई डोंट नो, बट इसे छिरका रोटी कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं, छोए। इसे छोए रोटी कहते हैं। और फाइनली इसे चावल की रोटी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चावल और उड़द काली वाली दाल को मिक्स करके बनाया गया है। इसमें क्या किया है इन्होंने, क्या कहते हैं, चावल और दाल को दोनों को रात को ही भिगो कर रख दिया था, और दोपहर में ये इसको पहले ग्राइंड किया है, अच्छे से मिक्सी में पीसा है। बनाया ऐसा नहीं करते, ये रात में ही पीस कर रखा जाता है। अच्छा। सुबह बनाया जाता है। तो आपने सुन लिया ना कैसे बनाया जाता है, रात को भिगो और सुबह में बनाओ, और इसको आप पीस करके भी डाल सकते, रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, ताकि इसमें वो थोड़े देर के लिए रात भर रखते हैं हम लोग। अच्छा, रात को ही पीस के छोड़ देते हैं ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो जाए, है ना, खुल जाए। हाँ ठीक है, तो और अच्छा इसीलिए उसको छिरका बोलते हैं। मुझे छिरका और छोए बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये रोटी जो है। ठीक है, तो आप लोग भी बना के टेस्ट करना। हाँ, इसमें नमक और चीनी दोनों रखा गया है, मसाले वसाले कुछ नहीं है, बस चावल का आटा, उड़द दाल, चीनी थोड़ा सा और नमक। नमक नहीं लगाने से भी चलेगा, लेकिन हम लोग क्योंकि अच्छा हम लोग का कल्चर में नमक चीनी दोनों का कॉम्बिनेशन खाया है। तो इसका जो टेस्ट मैं बताऊँ आपको, ये टेस्ट कैसा लग रहा है, अगर आपने खाया है दूध पुआ, जो चावल मिट्टी के जो बर्तन में हम रख के चावल को घोल करके उसको डालते हैं और फिर उसको दूध में डालते हैं, तो उसी के जैसा टेस्ट लग रहा है। बस इसमें कमी है दूध की, अगर दूध में डुबो दे तो ये दूध पुआ ही लगेगा। सो आप भी ट्राई करना ये छोए रोटी और छिरका रोटी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।